पाकिस्तानियों का पसंदीदा मौजू है इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में मुदाखलत करना। सबको नापसंद है, हमें भी है, इस पर बात भी हम करते रहते हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पे बात ना करें तो फिर अदलिया की मुदाखलत पे बात आ जाती है, वो भी हम करते रहते हैं। लेकिन क्या ये दो पिलर जो हैं, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया, उसके अलावा जो पार्लियामेंट जो पिलर है, क्या वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी अदा कर रहा है? इस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि देखा हमने ये है कि जो तीन बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन तीनों का थोड़ा सा सियासी तजिया आज आपके सामने रखेंगे और अपने मेहमानों से बात करेंगे और आप फैसला करें कि क्या हमारी सियासी जमातें उस मेच्योरिटी का मुजाहरा कर रही हैं जो आज पाकिस्तान को जिस मेच्योरिटी की ज़रूरत है, जो बजट आया है उससे जो महंगाई मज़ीद बढ़नी है, जो लोगों के हालात है, पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है, उसमें जो तीनों बड़ी सियासी जमातें इस मुल्क के साथ कर रही हैं, क्या उनको ये जेब देता है कि एक सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने एक केस की हेयरिंग के दौरान ये खान साहब को मशवरा दिया कि आप सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें, और देखें अनहोनी ये हुई कि खान साहब ने किसी अकल की बात को मान लिया। उन्होंने मुज़ाकरात के लिए एक ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि मैं तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं और इस मुल्क के लिए, सियासत के लिए, मईशत के लिए जो भी बेहतर हो सकता है वो मैं करूंगा, और उन्होंने ये ख़त लिखा जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब के कहने पे। अब उस ख़त के बाद क्या, उस ख़त के बाद एक लंबी स्टोरी है और कितने यू टर्न्स हैं ये हम अभी गिन नहीं पा रहे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उस पर बताना ये चाहता हूँ कि उस ख़त के साथ अगले दिन उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब, जो सीनियर सियासतदान है बलूचिस्तान से, उनको उन्होंने मुकर्रर किया उस कमेटी का सरबराह जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, पीटीआई की तरफ से और उनके जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से मुज़ाकरात की कमेटी को, जिसकी सरबराही उनके पास थी। महमूद अचकज़ई साहब के नाम के अनाउंस होने के कुछ ही देर बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि इस वक्त हकूमती जमात है, जो हुकूमत को लीड कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्ट के साथ, और वो मुज़ाकरात पे जोर इसलिए देती रही है कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तभी मुआशी इस्तेहकाम आएगा, लिहाजा ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए बेहतर है कि वो इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ करे। लेकिन हमने देखा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने महमूद अचकज़ई की नॉमिनेशन के फौरन बाद सेनेट में इजहार ख्याल किया, और उसमें उन्होंने क्या कहा आप खुद देख लें। आप कहते हैं जी कि वो अचकज़ई साहब की कमेटी जो है वो हमसे बात करेगी। अब मुझे नहीं पता कि अचकज़ई साहब की कमेटी क्या बात करेगी, क्या जमानत देगी हमें, और क्या जो इनका मौकफ रहा है कि ये पार्लियामेंट ठीक नहीं है, ये फॉर्म 45 पे आई हुई है, इनसे बात नहीं हो सकती। अगर वो मौकफ बरकरार है तो क्या बात होगी, कोई बात नहीं होगी फिर। और अगर वो मौकफ खत्म हो गया है तो उसका ऐलान करें कि आज के बाद ये चोर नहीं है, ये डाकू नहीं है, ये पाकीज़ा हो गए, फिर हम बात भी कर लेंगे। अब ये जो शरायत आयद की हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने, ये पहले हमें शरायत कहीं नज़र नहीं आई। पिछले दिनों जब भी बात हुई यही हुई कि आगे बढ़ना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी कही गई। इस बयान के अगले ही दिन यानी आज खान साहब ने अपने केस की हेयरिंग के दौरान उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि फैसले बड़े साहब करेंगे तो सियासी जमातों से बात का क्या फ़ायदा, और उन्होंने कह दिया कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे सियासी जमातों के साथ। तो खान साहब को ये बात समझाते हमारे बाल सफ़ेद हो गए कि खान साहब अगर सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात नहीं करेंगी तो फिर अहकामात बड़े साहब के ही जारी होंगे, लेकिन वो क्यों नहीं समझते, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये तो मैंने आपको दो बड़ी सियासी जमातों का बताया, अब तीसरी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले दो साल में जो सियासत की है, जिसमें कभी वो हकूमती जमात की इतिहादी होती है, कभी वो उसके मुखालिफ होती है, इसकी एक लंबी हिस्ट्री है, और उस पर वो शुरू होती है बाद जब खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक थी, जब वो आई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कन्विंस किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि अदम एतमाद आना चाहिए और यही आगे बढ़ने का रास्ता है। उसके बाद अदम एतमाद आई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में जाना चाह रही थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, हमें हुकूमत में रहना चाहिए। हुकूमत चलाई गई, हुकूमत के आखिरी महीने में, और जिस वक्त बिलावल भुट्टो साहब बहुत तारीफ़ें भी किया करते थे उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और आज के भी वज़ीर आज़म, तो उन्होंने अचानक अपना रास्ता बदला और उन्होंने हुकूमत पर
तनकीद शुरू कर दी, क्योंकि इलेक्शन करीब थे, इलेक्शन में भी हुकूमत पर तनकीद होती रही, उसके बाद भी बिलावल भुट्टो साहब ये कहते रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, लेकिन फिर हुकूमत की इत्तेहादी बनी, हुकूमत बनी लेकिन कैबिनेट की पोजीशंस नहीं लें। इसके अलावा 5 आइनी अहदे और बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटियों की सरबराही ले ली और आज भी काबीना में नहीं है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही पहला बजट आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मुतालबात निकाल कर टेबल पर रख दिया और पेश कर दिया हुकूमत को कि पहले आप हमारे ये मुतालबात मानेंगे तो हम बजट पास करवाएंगे। वो मुतालबात क्या हैं, उसमें एक तो ये है क्योंकि रिटन एग्रीमेंट हुआ था जिसका कौम को नहीं पता था कि उसमें क्या क्या लिखा गया, और दूसरी बात कि पंजाब में स्पेस चाहिए, और ये पंजाब में स्पेस मैं नहीं कह रहा, यूसुफ रजा गिलानी साहब कह रहे हैं, आप भी सुन लें। ऐसे भी इशूज़ हैं जो रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसलिए उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसलिए उसकी स्ट्रेटेजी बनाए। जो इन राइटिंग हमारे मामलात हैं, हम सिर्फ चाहते हैं उनको इम्प्लीमेंट हो। हमारे साथ ज्वाइन किया है स्टूडियोज में बिलाल अज़हर कियानी साहब, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, सेनेटर पलवेशा खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और सेनेटर वलीद इकबाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं। मैं बात का आगाज़ मेरा ख्याल है सेनेटर वलीद साहब से करना चाह रहा हूँ, अगर वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं तो। जी मैं आपके साथ। वलीद साहब अस्सलाम वालेकुम, आप बहुत दूर बैठे हैं इसलिए आप हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया, दूर होने के बावजूद भी आप हमारे साथ हैं। ये बताइएगा जो मैंने अभी बात की है, आज खान साहब ने फिर कह दिया है कि फैसले बड़े साहब करेंगे तो सियासी जमातों से बात का क्या फ़ायदा, यही तो सवाल है कि अगर आप सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे तो फैसले तो बड़े साहब करेंगे, और फिर बजट आया हुआ है, इतनी मुश्किल हैं आवाम के लिए, महंगाई है, आगे भी हालात ख़राब हैं, आप सब लोग बैठ के कंसेंसस क्यों नहीं कर पा रहे तमाम सियासी जमातें, फिर आप इल्ज़ाम देते हैं दूसरों को। देखें जी, इसका जवाब बड़ा सिंपल है, मेरे नज़दीक तो बहुत सिंपल है, मैं बतौर एक अपनी पार्टी के तर्जुमान के मेरे पास जो मुसलसल, देखें हमें एक चैलेंज का सामना तो ज़रूर है कि हमारे बानी चेयरमैन जो हैं वो कैद में हैं, और उन तक रसाई जो है वो महदूद होती है, और रसाई के प्रोसेस में फिर कुछ मैसेजेस गार्बल हो जाते हैं। मेरे लिए रोज़ रोशन की तरह वाजे रहा है मेरे बानी चेयरमैन का मौक़िफ़, और कल मैं इस्लामाबाद में ही था, और कल रात का खाना भी मैंने रऊफ हसन साहब के साथ मेरा हुआ लाहौर रवानगी से कबल, और तफसील से मैंने उनसे भी बात की, वो हमारे तर्जुमाने आला हैं और वो खान साहब से दोपहर मिल के आए, एक घंटे की मीटिंग करके आए, ये कल की बात। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात नहीं होंगे अब। नहीं जी, उन्होंने कहा आज जी, मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ, इमरान खान साहब ने तो आज मजीद उस बात को की तायीद की जो मैं कल भी जानता था, और कल से पहले एक माह पहले और दो हफ्ते पहले और ढाई माह तीन माह पहले भी जानता था, वो यही थी कि सियासी जमातों के पल्ले कुछ नहीं है, और इमरान खान साहब इसमें यकीन रखते हैं, और इसलिए वो कल और आज के दरमियान जो फिक्रा इस्तेमाल हुआ, तो मैं क्यों लिखा नहीं, और वो क्यों बदलते हैं मौका, मैंने तो कोई खत नहीं देखा जी, मेरे पास उसकी कॉपी नहीं आई, और मैं बिल्कुल उसकी तरदीद नहीं, उन्होंने आपके ये रऊफ हसन साहब ने, उमर अयूब साहब ने, इन्होंने कहा टीवी पे आके कि खत लिखा जा रहा है, महमूद अशकज़ई साहब का नाम आया। नहीं जी, वो मैं मेरे नज़दीक ऐसा कोई खत नहीं लिखा गया, और मेरी नज़रों से कोई ऐसा खत नहीं गुजरा, इसलिए मैं उसकी बिल्कुल कतई तौर पर कोई तस्दीक नहीं करूँगा। और अगर आप तस्दीक इस बात की भी कर रहे हैं कि वाकई मिसकम्युनिकेशन है आप सबके दरमियान, क्योंकि अंदर से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं बाहर आके। जी ऐसा हो सकता है हो, लेकिन मैं हमेशा रऊफ हसन साहब की बात को फौकियत देता हूँ, और उन्होंने किसी मरहले पर भी खान साहब के तवसुत से भी या वैसे खुद से भी कभी, और कल से और आज के दरमियान जो एक नया फिक्रा मैंने सुना है कि जी अच्छा अगर मुजाकरात इन पोलिटिकल पार्टीज़ ने करने हैं तो अपना अथॉरिटी लेटर तो दिखाएं कि किसने उनको मैंडेट दिया है ये करने का, ये जिन्होंने इनको यहाँ पे ला के प्लेस किया है, हम उस मौक़िफ़ पर कायम हैं, ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं, और जो इरफान सिद्दीकी साहब ने फ्लोर ऑफ द सेनेट पे कहा वो बिल्कुल बात दुरुस्त है, हम उससे पीछे नहीं हटे, और अब तो वो सिर्फ वो भी कह रहे हैं कि जी अगर आप उससे पीछे नहीं हटे तो हम भी उस कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो हम तो वैसे पहले ही वहीं खड़े हुए थे। जो इस वक्त रियासत की पॉलिसी की समत का तयन कर रहे हैं, जिन्होंने रियासत के निज़ाम को असेंबल किया है, हम उनसे बात करना चाहते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं हम उनसे तैयार हैं, हमने कभी भी मुस्तरद नहीं किया। तो आप वहीं खड़े हैं, ठीक है, आपका मौका वही बात वापस। बिलाल साहब वो तो आपसे बात ही नहीं करना चाह रहे, और आपने पहले भी कंडीशन लगा दी हैं। अब ये वलीद इकबाल साहब और रऊफ का ये मौक़िफ है, एक और ग्रुप कुछ और मौक़िफ भी लेके आया था, आपके पास क्या इत्तला थी, आपने गारंटी लेटर क्यों मांगा?
जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अफसार साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का, और आपको नए शो की बहुत मुबारक भी हो जी। शुक्रिया जी। देखिए अफसार साहब, ये अब एक एक सब थक गए इस तमाशे से, एक बिगड़े हुए बच्चे के तमाशे से। देखिए एक जमात है और एक फ़र्द है जिसने बार बार साबित किया है कि वो गैर जमहूरी रवैया रखता है। ये जमाती गैर सियासी जमात है और ये 2018 से कबल भी अपने उस मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म होने के बाद के टेन्योर में भी और उस दौरान भी। तो वो तो आपको कहते हैं, आप भी मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म। देखिए मेरी गुजारिश ज़रा सुन लीजिए जी। देखिए मेरी बात, ये वो तो कहते रहे, वो तो 50 बातें करते रहे जी, उनका क्या है। अभी आपने खुद कहा कि आज लेटर लिखा कल मुड़ गए, इसको छोड़ दें। मेरी गुजारिश ये है कि एक गैर सियासी जमात है जिसने आज तक कभी भी जमहूरी और सियासी बात करने का कोई सबूत नहीं पेश किया, सियासी जमातों से डायलॉग का कोई सबूत नहीं पेश किया। और ये हमेशा 2018 से पहले भी जब धरने करते थे तो उस टाइम भी बैसाखियों के ऊपर कुर्सियां लगवाते थे, स्टेज करवाते थे, हुकूमत भी उस तरह ही मिली, हुकूमत चलाई भी उस तरह, मुंह में नवादा डाला गया, मुंह से चबाया गया, उसके बाद निकले फिर से बैसाखियों की तलाश में। जिन जनरल बाजवा साहब को कहते थे ऐसी सियासी जमात है जो बैसाखियों की तलाश में, देखिए गुजारिश है कोई ऐसी जमात है नहीं, देखिए गुजारिश ये है सार साहब नहीं, देखिए हम तो एक जमहूर, आप देखिए 90 की दहाई से हमारी जमातों ने, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, JUI भी है, दीगर हमारे इख्तलाफात भी कभी रहते हैं, कभी साथ होते हैं, मगर सियासी जमातें आपस में डायलॉग करती हैं और करती आई हैं। लेकिन आपके मगर पीपल्स पार्टी आपके एक इत्तेहादी आपसे राजी नहीं हो रहा। देखिए ये होता है और बैसाखियाँ तो आप भी आ रहा पर पीपल्स पार्टी नहीं। देखिए गुजारिश है अब पीपल्स, मैं खुलासा आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ कि ये जो रोजाना का ड्रामा है ना कि खान साहब बात करेंगे नहीं करेंगे, ना करें तो ड्रामे का नुकसान तो आपको, मुल्क को नुकसान नहीं हो रहा। नहीं नहीं देखिए आवाम तो पिस गए। नहीं नहीं देखिए देखिए इस्तेहकाम नहीं आ रहा, सियासी नमवाशी इनके, ये एक अब इस्तेहकाम की कोई सबब बने या बनना चाहते हैं। ठीक है तो आप बताइए PTI हुकूमत की जिम्मेदारी क्या करे, बार बार इस शख्स के पीछे बार बार नवाज शरीफ साहब चल के गए बनी गाला। 2016 के अंदर आपने, 2022 में आपने देखा कि इलेक्शन की डेट तय करने के लिए कमेटियां बनी, हाथ किसने खेचा इमरान, मतलब बालाकोट का सर हमला हुआ, ये ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, मुसल्लत शुदाई से उस ब्रीफिंग में वो अना की वजह से आपको जिधर वो लगाएगा आप लगते जाएंगे। नहीं नहीं देखिए हम काम करेंगे तो फिर फैसला करें। नहीं नहीं फैसला क्या सर, फैसला है 9 मई की आप देख लें, आप इतना उसका शोर में चाहते हैं, उस पर क्या हुई है प्रोसिक्यूशन, सर वो कोर्ट्स ने करना और होनी नहीं, देखिए कोर्ट्स ने करना और करना। अफसार साहब देखिए वो मामला कोर्ट, एक साल से ज्यादा हो गया, आवाम का मसला, 9 मई के केसेस चल रहे हैं, इमरान खान इज नॉट द कंट्रीज प्रॉब्लम राइट नाउ, मुल्क के मसाइल महंगाई है, तो बेरोजगारी है, माशी, और देखिए तो उस पे, उसके लिए आप ये टैक्स कितने लगा दिए। देखिए तो वो एक अलग बहस है, आप करिए उसके अंदर आप आ जाइए। पिछले 3 माह के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ आपने देखा, मैं इस पे आता हूं अगर मैं पहले, मगर मैं आपको कहना ही चाह रहा हूं, मैं खुलासा इस लुबे लबाब इस बात का ये है कि देखिए मेरा ख्याल अगर सियासी जमातों के बीच में डायलॉग हो तो बेहतर है, पार्लियमान वो फोरम है। तो फिर आपने बात ये, आप हम जब भी बात करते हैं, हमने जब भी कोशिश की, मैंने आपको मिसाल दी, मेरा नहीं ख्याल किसी भी शख्स के साथ इतनी दफा डायलॉग की कोशिश की गई है जितनी इमरान खान के साथ की गई है। मगर अगर ये समझते हैं कि इनके साथ डायलॉग हुकूमत की है, किसी की मजबूरी है, ये इनकी गलत फहमी है, इनके बगैर भी काम चलेगा, अगर ये उसका मल का हिस्सा बनेंगे तो बेहतरी होगी, बेहतर तरीके से होगा, मगर उसके बगैर भी काम चलेगा। हुकूमत जो ये समझती है कि वो कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकते, लेकिन क्या हुकूमत का ये समझना दुरुस्त है? पलवशाह साहब आप बताइएगा कि हुकूमत के लिए, आप भी जाहिर है हुकूमत को सपोर्ट तो कर रही हैं, हुकूमत का जो आपको मूड नज़र आ रहा है इस वक्त, वो समझते हैं कि मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है खान साहब से, तो आपके जो और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात हो चुके हैं, और मैंने PTI का आपको जिक्र कर दिया, PTI के और हुकूमत के भी ताल्लुक ठीक नहीं है, PTI के आपके साथ भी ताल्लुक नहीं, आपको मेरे साथ भी नहीं बैठना चाहती, तो ये तीनों बड़ी सियासी जमातें इस मुल्क के साथ कर क्या रही हैं? आपका ये बजट पे ये मौकफ जो भी आपने लिया है, ये मुस्तकिल है या ये बजट तक है, बजट के पास होने तक है? देखिए अफसार साहब, आपने शुरू में खुद जिक्र कर दिया, जाहिर है जब कुछ जमाते हैं किसी इतिहाद में जाती हैं तो उनकी एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होती है, और इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग हमारे और नून के दरमियान थी, और उस अंडरस्टैंडिंग के कुछ खतों खाल ऐसे थे जो उस पर हुकूमत पूरी नहीं उतरी, तो लिहाजा हमने अपनी पार्टी को शेयर करें आवाम के साथ, शेयर करें थोड़ा सा क्या कहते हैं खतो खाल, वो रिटर्न एग्रीमेंट था, हमें नहीं पता पंजाब में कौन सी स्पेस चाहिए, वो बताएं ना आवाम को। जी मैं ये बता रही हूँ, सबसे पहले जो मेरे इल्म में है, जहाँ तक मेरे इल्म में है, मैं आपको बता सकती हूँ कि जो पाकिस्तान में तमाम सूबों में हमने एक अपनी डेवलपमेंट जो करनी थी, जिस लिहाज से करनी थी, जो स्कीम्स थी, जिस लिहाज से PSTP को डिस्ट्रीब्यूट होना था, उस पर हमारे आपस में एक अग्रीमेंट हुआ था कि वो हम
इकट्ठे मिलके फैसला करेंगे उस पर जो है। वो जब बजट पेश करने से पहले, बजट के बंद तश्कील पाने से पहले कोई मशावरत नहीं हुई, किसी बात पर एतमाद में नहीं लिया गया, एक तो ये मेरे इल्म में है। और दूसरा पंजाब के हवाले से कुछ मामलात थे, पंजाब के हवाले से हमें ये जो स्पेस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मुझे इल्म नहीं कि स्पेस किसने कहा है। स्पेस का मतलब ये नहीं कि स्पेस कोई सियासी स्पेस नून दे और हम ले लें, इस तरह यूसुफ जा गिलानी साहब ने भी कहा है, यूसुफ जा गिलानी साहब ने कहा है, शाजिया मरी साहब ने भी कहा है। देखिए स्पेस का मतलब ये नहीं है कि हम कोई इनसे कोई पॉलिटिकल स्पेस कोई तोल के दे दी जाए, या हमारे आपस में देखिए एक एग्रीमेंट जो था उसमें पंजाब के हवाले से भी बहुत से मामला थे। अब हमारे इतने मेंबर्स जो हैं जो हमारे मुख्तलिफ अजला में अच्छी पोजीशंस पे थे, उनको अक्सर शिकायत है कि वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनसे वो तावुन नहीं करती। और जो किस किस्म का तावुन चाहिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या, अगर कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम कर रही हो तो आप बात करें, तावुन किस तरह का चाहिए, मुदाखलत चाह रहे हैं, मर्जी के डीसीएसएस और आईजी डीआईजीस होने चाहिए, लेकिन जो जो जायज कोई मसाइल है उस पर अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक जो आपकी हलीफ जमात है उसकी बात ही ना सुने। ये आज की बात नहीं है, मैं ये बातें पहले दिन से सुन रही थी, बल्कि हुकूमत की तश्कील से पहले भी सुन रही थी, लेकिन उस वक्त कोई और ऐसा मामला नहीं था कि हम उससे पीछे हटते और ये तमाम जो सिस्टम था ना सेटअप होता। लेकिन बहरहाल अब इस पर मामला ये है कि इस बजट से जो है हमें बिल्कुल ला ताल्लुक रखा गया। और आप बजट को बजट पास करने में मदद करेंगे हुकूमत की या नहीं? देखिए अब सार साहब, मैं तो अकेले ही आपको एक स्टेटमेंट नहीं दे सकती, ना मैं उस मुजाकराती कमेटी में हूँ जो कि अब मिल रही है, दार साहब भी गए और जहाँ तक मुझे इल्म है वो कुछ मिलते हैं रोज़ाना। लेकिन बात यह है कि जाहिर है एक बड़ा अहम मरहला है, अगर बजट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट नहीं देती तो बजट पास नहीं होता, तो आपको पता है फिर हुकूमत तो गिर जाती है, तो लिहाजा अब हुकूमत गिर जाती है, हुकूमत गिर जाती है। मैं इस पे वली साहब ये बताएगा, अगर हुकूमत गिर जाती है और जैसा कि अभी पलवेशा खान ने कहा कि हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो बजट पास नहीं होगा, हुकूमत गिर जाएगी, सिंपल, तो आप क्या करेंगे फिर? आप हुकूमत बनाएंगे या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे या क्या करें? इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन अफसार साहब मुझे पहले ज़रा ये थोड़ा वाजे कर दीजिएगा। मुझे कल जब आपके बिहाफ पे इनविटेशन आई आपके शो की, तो मुझे बताया गया कि आप ये नया शो जो है वो समा पे शुरू कर रहे हैं, तो क्या आज इसका इफ्तिताही प्रोग्राम है या पहले से आप शुरू कर चुके हैं? नहीं, दो प्रोग्राम पहले हो चुके हैं, पिछले वीक, नहीं मैं आज ये तीसरा प्रोग्राम। अच्छा अच्छा, बहरहाल चलें एक तरह से नीम इफ्तिताह हो सही, तो इसलिए मेरी तरफ से भी आपको मेरी नेक तमन्नाएं भी, बेस्ट विशेस एंड ऑफ कोर्स मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद जी, अगर पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत हमने बनानी होती तो हम 8 फरवरी के बाद भी बना सकते थे, हमने तो इसीलिए मैं आपके वो पिछले सवाल के जवाब के ही एक हिस्सा आप समझ लें, वो ये है कि खान साहब ने बहुत वाजे किया हुआ था कि ये तीन पार्टीज़ जो हैं PMLN, PPP और MQM पाकिस्तान, इनसे किसी सूरत मुजाकरात नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है एक खुली वारदात के ज़रिए और ये फॉर्म 47 वाली जो पूरी जो जिनको आप मैंडेट थीव्स कहेंगे, ये उस तरह से आए हैं और ये उसके सारे उस कार्रवाई के बेनिफिशियरी हैं जो कि 8 फरवरी और उसके बाद के दिनों में आपके सामने सबके सामने हुई। ठीक है, तो बिल्कुल बेनिफिशियरी तो जी, तो ये इनकी ये जाने और इनकी कोएलिशन जाने, मुझे नज़र तो यही आ रहा है कि सारी नूरा कुश्ती है, नूरा कुश्ती है, सिंपल इज दैट, नूरा कुश्ती है बिलाल साहब, या समझौता एक्सप्रेस है, हाल में अगर पाकिस्तान समझौता एक्सप्रेस है या ये, तो ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत बजट पास करवा सकेगी जब पास? जी मुझे आई एम कॉन्फिडेंट ही इंशाल्लाह हो जाएगा आपके साथ, तो ये फिर वो समझौता एक्सप्रेस ये जो वली साहब कह रहे हैं। नहीं देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी इज़ अ पार्टनर इन दिस गवर्नमेंट, यकीनन एक पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान एक पोलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हुई है जिसके नतीजे में रिटन एग्रीमेंट था, ये मेरे इल्म में जी, ऑनेस्टली किसके इल्म में, उनके भी इल्म में कुछ नहीं, आपके भी नहीं, कौन करता है? रिटन हो या ना हो, एक मुआहदा है जिसको दोनों जमातें तस्लीम करती हैं, उसमें PSDP की बात ठीक है कि उनकी मर्जी के प्रोजेक्ट पंजाब में लगाने, इफ यू अलाउ मी, एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी नहीं गुजारे सर, बजट के हवाले से इफ़ यू अलाउ मी मैं ज़रा कुछ फैक्ट्स पेश करना चाह रहा हूँ। पीपल्स पार्टी को बजट के हवाले से, बजट की प्रेजेंटेशन से पहले उनको ब्रीफ किया गया है, दीगर मीटिंग्स हुई हैं, पार्लियामेंट में भी दो हुई हैं
और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल भी फॉर एग्जांपल एक फोरम था जहां पे पीपल्स पार्टी की भी नुमाइंदगी थी, और मेरे ख्याल से एक दो और मौक़ों पे भी डिस्कशंस हुई हैं। सो यकीनन ये मैं फैक्चुअली आई जस्ट वांट टू प्रेजेंट दिस कि ये हुआ है, और पीपल्स पार्टी ने कुछ लोग नॉमिनेट किए हुए थे। एक दो मीटिंग्स में पार्लियामेंट में मैं भी शामिल था जहाँ पे इनके दो तीन रिप्रेजेंटेटिव्स थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी उसमें मौजूद थे। ब्रीफिंग दी है, हमसे मशवरा नहीं देखिए, तो बहरहाल वहाँ पे दे गॉट द चांस टू हैव देयर डिस्कशन। मगर मैं साथ ये ज़रूर कहूँगा कि बजट अभी प्रेजेंट हुआ है, आज भी अगर कोई इनके तहफ़ुज़ात हैं तो यकीनन ये तो बिफोर द बजट बता चुके हैं। पंजाब में स्पेस चाहिए, नहीं मैं तो बजट के हवाले से भी बात करूँ, ये बजट मेजर्स के अंदर अगर इनकी कोई बात है तो पीएसडीपी पंजाब जी, पंजाब का पीएसडीपी, यहाँ नेशनल असेंबली का पीएसडीपी जी। देखिए अगेन बजट के जो भी हिस्से हैं उसमें यकीनन जो भी इनके साथ डायलॉग रहेगा, जमात में दोनों जमातों ने वर्किंग ग्रुप्स बनाए हुए हैं जी, तो उसमें यकीनन जो भी इनके तहफ़ुज़ात हैं वो एड्रेस हो सकते हैं। एंड आई एम कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह कि ये दोनों जमातें चाहती हैं कि हुकूमत चले, इसी नियत से बनाई गई थी ताकि मुल्क के मसाइल हों, तो आई एम कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह कि बजट एक ब्रेक ले लें, उसके बाद पीपल्स पार्टी से पूछेंगे कि आती है हुकूमत चले कि ना चले, वही जवाब दे सकते हैं। ब्रेक लेते हैं। परवेशा खान साहब, ये बताइएगा आप ब्रेक पर जाने से पहले, जैसा कि बिलाल ने कहा कि हम बजट पास करवा ही लेंगे तो उनको तो बहुत श्योरिटी है, कॉन्फिडेंस है। मोहसिन नकवी साहब भी कल मिले हैं, आसिफ अली जरदारी साहब से भी, बिलावल भुट्टो साहब से भी, तो कोई बीच का रास्ता निकल रहा है। मोहसिन नकवी तो जाहिर है आपको भी पता है, हमें भी पता है कि क्यों मिले हैं और किसने मिलवाया है, तो निकल आएगा रास्ता कोई। देखिए मैं समझती हूँ हुकूमत का गिर जाना तो एक बहुत एक्सट्रीम कदम होगा, जिसके बाद एक बड़ी इंस्टेबिलिटी की लहर इस मुल्क की सियासत में आएगी, लिहाजा मैं तो ये उम्मीद कर सकती हूँ कि कोई बीच का राह निकल आए, और शायद हो सकता है कि बीच का राह निकल भी आए। लेकिन देखिए ये जो जहाँ तक मुझे इल्म है, जो ये ब्रीफिंग्स की बात हो रही थी, ये बड़ी आखिरी वक्त हुई, और उस वक्त हुई इस वक्त इनको खबर मिली कि पीपल्स पार्टी इस बात पर जो है वो परेशान है और नाराज है कि उनको बिल्कुल जो है बजट की तश्कील से और उसके मामलात से दूर रखा गया। उसके बाद ये हरिटी कुछ ये अरेंज हुई, जिनकी जाहिर है वो फिर उस तरह से तो नहीं होती। एक जो आप एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं वो भी देखिए, कोई भी जमात किसी के साथ बैठती है तो वो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग पे बैठती है, बजाय वो लिखा हुआ सफ़ा हो या वो कोई आपस में बातचीत की हुई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई जमात भी किसी और के साथ इल्हाक में जाती है तो वो कुछ बेसिक ऐसे नुक्ते हैं जिन पर एग्री करनी चाहिए। लेकिन तासुर ये बन रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब, तासुर ये बन रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिसी और है, बिलावल भुट्टो साहब की पॉलिसी और है, और जिस तरह वो पार्लियामेंट से निकल के गए हैं बजट वाले दिन, उससे तो लगता, और लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब तसल्लियां दे रहे हैं, तो ये गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है। नहीं, मुझे नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब ने किसको तसल्ली दी है? जिस दिन बजट से बिलावल साहब बाहर थे, मोहसिन नकवी को दी है, वजीर आजम शहबाज शरीफ को दी है, जब उनसे मुलाकात की उन्होंने कहा कि मामला अफहमत अफीम से हल हो जाएंगे, और ये बात उन्होंने की है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब की ये ओपिनियन हमेशा नहीं थी शहबाज शरीफ के बारे में। देखिए यही बात कहनी चाहिए कि मामले फामो तफीम से हल हो जाएंगे, लेकिन एक बात का तो इदराक हमें है कि मामले खराब हुए हैं, और मामले को इस वक्त ऐसे मौके पर जब बजट खराब होना ही नहीं चाहिए था। अच्छे किसने किए खराब? मैंने आपको वजूहात बता दी है कि ये देखिए, मैंने आपको बताया कि जो एग्रीमेंट था उसमें से कुछ मामलात पे ब्रीच हुआ है, जिसके बाद से मामलात खराब हुए। बहरहाल मैं ये नहीं कहती, बैठ के अंदर अंदर कमरे में बैठ के हल कर लेते ना, ये जो पब्लिक मैसेज दिया है, ये मार्केट को क्या मैसेज है? देखिए मैं आपको बिलावल भुट्टो साहब का एक शॉर्ट सुनाना चाहता हूँ, जो उन्होंने पिछली असेंबली के आखिरी दिनों में बात की थी मौजूदा वजीर आजम के बारे में, आप भी जरा सुने और फिर बताएं। इस पर वक्त का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब शायद ज्यादा पीपुल्स पार्टी का वजीर आजम है ना कि मुस्लिम लीग का। वजीर आजम इस नीयत के साथ वो काम करता है और जो इसका वर्क एथिक है, मैं उसके बारे में गवाह देने के लिए तैयार हूं कि मैंने इससे बेहतर जो वर्क एथिक है पहले नहीं देखा है।
अब वलीद ये बताइएगा कि जो आपने अभी बात की थी कि समझौता एक्सप्रेस ही लग रहा है, तो ये जो पिछली असेंबली में आपको मैंने तकरीर सुनाई अभी और अभी जो है, इससे मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे सियासी जमातों में, तो फिर फैसले तो कहीं और ही होंगे अगर आप आपस में नहीं बैठते। आपके क्या ख्याल है कि आगे का रास्ता क्या है इस वक्त? हमारे तो मौक़ की ये बात तायद करती है ना जी, और बल्कि मैं आपको जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, आपके हवाला भी देना चाह रहा हूँ, आपके मेरे ख्याल करीबी साथी हैं और रहे भी हैं ऑन एयर भी, नुसरत जावेद साहब, उनका तज्जिया आज मैं सुबह पढ़ रहा था अखबार में, और उन्होंने ये जुमला मैं अभी देख ही रहा था फ़ोन में, ये इस्तेमाल किया हुआ है कि ये बजट जो है ये उनके अल्फाज हैं कि मुतवस्सित तबके को सफ़ेद पोशी से महरूम करने का सफाक मनसूबा है। तो इसमें अब उन्होंने दिलचस्प बातें जो एक दो की हैं, एक तो यही है कि पहले तो पीपल्स पार्टी के अराकीन असम्बली आ ही नहीं रहे थे, फिर मनाना पड़ा जाके, आई थिंक इसहाक डार साहब ने जाके उनको मनाया, तो फिर बिलावल साहब ने चार बकौल नुसरत जावेद साहब के चार अपने नुमाइंदे भेजे जो वहाँ एक टोकन तौर पर मौजूद थे, और उसके बाद बिलावल साहब ने ख़ुद कहा कि मैं, अब मुझे अल्फाज अब याद नहीं है क्या उर्दू के कॉलम में थे, बट कुछ इसी किस्म के थे कि तो मैं तो घर जाके चिल कर रहा हूँ या रिलैक्स करने जा रहा हूँ, वो नहीं आए। और सबसे दिलचस्प बात जो उन्होंने निशानदेही जिसकी की है आज अपने तज्जिए में, वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ वो हाल ही में सरबरा मुंतखब हुए हैं अपनी पार्टी के, उन्होंने बजट तकरीर के दौरान असम्बली आने की ज़हमत ही नहीं की, और इसकी भी मेरे ख्याल में अलामती अहमियत है, उनको भी शायद अंदाज़ा होगा, और इससे भी पता लगता है, इससे भी पता लगता है कि ये पॉलिटिकली ये क्या हो रहा है, ऐसे ही ड्रामा चल रहा है, मतलब ऐसे एक लबादा सा है जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। ये बिलाल साहब ये बात ठीक है, नवाज शरीफ साहब अभी सदारत के मनसब पर आए हैं, तो ये बजट आपने पेश करके ये तासुर एक उभर रहा है कि उनकी जो सियासी पोजिशन है मजीद। देखिए सार साहब, मेरा ख्याल है जी कोई ऐसी बात नहीं है, जहाँ तक उनकी सदारत की बात है तो वो तो हमारी जमात के कायद बने थे और सदारत से हटाए गए थे लीगली 2017-18 में पनामा के केस को बहाना बना के, वो तो एक लीगल करेक्शन है। उसके बाद भी शहबाज शरीफ साहब के आने से कुछ गवर्नेंस में, अब सदारत पे आए हैं तो गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए थी, अवाम को कोई रिलीफ मिलता, लोग तो यही कहेंगे ना कि नवाज शरीफ देखिए बात ने उनको रिलीफ नहीं दिया, ये बात होगी ना। नहीं नहीं, देखिए बात ये, हमने जिम्मेदाराना फैसले 16 माह की हुकूमत में भी लिए, मईशत को इस्तेहकाम दिया, इन्हीं का पीटीआई का तोड़ा हुआ आईएमएफ का मुआहदा हमने रिवाइव किया, और जब रिवाइव करने लगे तो उन्हें फिर भी सबोटाज करने की कोशिश साल हो गए ना सुनते हुए। देखिए आज का रास्ता नहीं, आगे का रास्ता यही है, इतनी महंगाई नहीं, देखिए पिछले तीन माह देखिए महंगाई की शरह पिछले तनख्वाह वाले पे ज्यादा टैक्स ज्यादा वाले, आप पिछले 3-4 माह में देख लीजिए, महंगाई की शरह पिछले 2.5 साल की कम तरीन 11-12% पे आ चुकी है, 2 महीने के लिए रोटी की कीमत में कमी हुई बढ़ेगी पिछले, नहीं देखिए आगे वो तो बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, देखिए पिछले 3 वर्ष मुसलसल राउंड्स के अंदर पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, तो अब देखिए मुश्किल तरीन हालात के अंदर इतनी चंद थोड़ी सी मुद्दत में ये नतीजे आए हैं। साथ ही साथ वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इसका बार बार जिक्र होता है, जिसमें 125 खरबों अरब रुपए आपके जाया होते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में, पीआईई की निचकारी भी चल रही है, रिच लोगों को तो आपने छोड़ दिया, जो बड़े लोग हैं जिनके दुबई लीक्स में नाम है, जो स्मगलर्स हैं जिन्होंने जायदादें बनाई हुई हैं बेनामी हैं, उन पे तो कोई टैक्स नहीं है, ज़रायत पे कोई टैक्स नहीं है। देखिए आपने नॉन फाइलर्स के ऊपर भी टैक्स बढ़ाए, आपने रिटेल के ऊपर भी हमने कभी एफर्ट की है, और देखिए मेरी गुजारिश सुने अब सार साहब, ये बातें करना आसान होता है, नहीं नहीं आप मुझे बताएं 4 साल जो तबाही हुई पीटीआई की वो बेहतर थी? देखिए यहाँ पे एक तवाजुन है, बड़ा आसान होता है। क्या तवाजुन? नहीं देखिए तवाजुन ये है कि कम सैलरी वाले पे ज्यादा टैक्स, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, देखिए है ना यकीन नहीं मेरी, अब आप मुझे इफ यू अलाउ मी एक दफा मुझे इफ यू अलाउ मी तो आई विल आई हैव टू प्रेजेंट यू, इट्स नॉट एज सिंपल एज 3 वर्ड्स। देखिए सबसे पहले मैं ये बरमला कहना चाहूंगा कि सैलरीज के ऊपर जो भी इंक्रीज आया मामूली सही नहीं जाती थी हुकूमत, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट, देयर इज अ कंप्लीट रियलाइजेशन कि कोई शक नहीं है कि सैलरी क्लास दिस इज द फर्स्ट जी, दिस इज द फर्स्ट एज वेल, नहीं नहीं इट्स नॉट, इट्स द लास्ट। देखिए 1.6 ट्रिलियन के मेजर्स आ रहे हैं बजट के अंदर, जो इजाफी एडिशनल मेजर्स हैं, जिसमें से सिर्फ 75 बिलियन सैलरी क्लास का है, तो हरगिज़ ये तासुर देना कि सिर्फ सैलरी क्लास भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये बिल्कुल गलत है, इट्स ए फ्रैक्शन। यकीनन सैलरी क्लास के ऊपर जो इजाफा आया, मामूली भी इजाफा आया, ये हुकूमत नहीं चाहती थी। IMF के आप एक IMF के प्रोग्राम में भी जा रहे हैं, आपने फिस्कल करने, आपने टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ाना है, नहीं देखिए IMF ने बनाया नहीं है, मगर IMF के साथ डिस्कशन का नतीजा जरूर है, IMF का प्रोग्राम भी आज आपकी जरूरत है, IMF का प्रोग्राम भी अगर नहीं होगा तो ये सारे मसाइल बहुत ज़्यादा एक्सेसरबेट कर जाएंगे, ये भी एक हकीकत है। मगर साथ ही साथ इसके अंदर आपने देखा कि 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन के लिए 25% तनख्वाह बढ़ेगी, साथ ही साथ आपने देखा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिससे सबसे पाकिस्तान के मुस्तहिक खानदानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर मिलता है, उसमें 27%
इजाफा करके 593 अरब रुपए रखे गए, मगर साथ ही साथ भी बढ़ाया जी, वजीर आजम हाउस का खर्चा भी बढ़ाया, दिफा का बजट भी बढ़ाया, आपने असेंबली का बजट भी बढ़ाया, लेकिन आम आवाम कितना दे टैक्स? आप फिर सैलरी पे आ जाते हैं, लेकिन जो बिजली और गैस के बिल हैं पेट्रोल के, पेट्रोल के अंदर आपने देखा कमी हुई है, जो यहाँ पे मुमकिन हुआ है वहाँ पे कमी पास हुई है। अब आज बढ़ाते कितना है कमी कितनी? नहीं देखिए, नहीं नहीं, जो जितना पास ऑन, जो भी पास ऑन करना बनता है फॉरेन एक्सचेंज रेट को और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को मद्देनजर रखते हुए वो किया जाता है। आज भी अभी तकरीबन 10 रुपए 69 पैसे की कमी आपके एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, लार्ज इंडस्ट्रीज़ के लिए अभी टैरिफ डिडक्शन की गई है आज ही वजीर आजम साहब जी, बिजली के टैरिफ में, नर्ख में, ताकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। आपके मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो आप इस आईएमएफ के दलदल से निकलेंगे, जब आप डॉलेंगे, जब आप डॉलर कमाने की सलाहियत आपकी इम्प्रूव होगी। ये पलवशा हमारे साथ हैं जी, पलवशा बताइएगा, वो कह रहे हैं हम तो बड़ा अच्छा बजट लेके आए हैं और आपसे मुजाकरात मीटिंग्स हुई हैं बजट से पहले, थोड़ा सा पहले होनी चाहिए थी, अभी भी मामला हल हो जाएंगे। और बिलावल साहब भी जो मैंने शॉर्ट सुनवाया था वो तो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छे वज़ीर आज़म हैं, तो उस अच्छे वज़ीर आज़म को आपने पहले बजट पर छोड़ दिया? वज़ीर आज़म है और जिस तक की आप क्लिप सुना रहे हैं वो काबीना में थे बिलावल साहब, उनको उनमें कोई ऐसी खामी नजर नहीं आई होगी, तो उनकी काबीना के इतनी अहम मिनिस्ट्री पे थे, इसमें अच्छे बुरे की बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि देखिए, वैसे भी अगर हम किसी माहिते में ना भी होते तो ये एक सियासी भी है और इखलाकी तौर पर भी बजट को तमाम अपने जो आपके कोलिशन पार्टनर्स हैं, जो एलाइज हैं, उनके साथ इसको डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि सब ने जाके आवाम को जो है वो जवाब देने हैं। जब हम इस बजट को वोट करेंगे तो फिर जो इस बजट में जितने मामलात हैं जिससे आवाम पे बोझ पड़ेगा, वो तमाम चीज़ें जो है उसका बोझ हम पर भी, हमारे कंधों पर भी पड़ेगा, सिर्फ एक जमात पर नहीं पड़ेगा जो कि हुकूमती जमात है। उस वक्त हमारी ये बात, ये तो आपको हुकूमत लेने से पहले भी पता था, मिनिस्ट्री रहेगी, ये भी कोई नहीं सुनेगा कि हमने जो है हमारे आपस में इन्होंने हमें पहले ब्रीफ नहीं किया। ये मामला तो जो है आवाम नहीं समझती और नहीं सुनती, वो तो ये कहेंगे कि ये हुकूमत लेने से पहले भी आपको पता था क्या चीज, यही कि ये मसाइल हैं, महंगाई बढ़ेगी, आवाम पे बोझ बढ़ेगा और ये इस तरह के इकदाम लेने पड़ेंगे, ये पहले से पता था जी, पता था, लेकिन ये तो नहीं था कि वो एक तरफा ही एक मतलब किताबचा बना दिया जाएगा। देखिए, वैसे भी मैं आपको बताऊं, अगर आपस में सलाह मशवरा हो जाए तो बहुत सी ऐसी चीजें शायद ऐसी होती जो इनको शायद ये फैसले जो है उस पर तब्दीली कर लेते हो, तो उनको बेहतर मशवरा मिलता। बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी मेहमानों का एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आखिर में एक वाकया, और वो वाकया ये है कि पेशावर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान रिटायर हुए हैं 14 अप्रैल 2024 को, और तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, और अब एक नोटिफिकेशन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आया है जिसमें उनको अपेलेट ट्राइब्यूनल मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन का सरबराह मुकर्रर किया गया है, जिस पर उन पर तनकीद की जा रही है, लेकिन समझ नहीं आ रही इस तनकीद की वजह क्या है, क्योंकि जजेस रिटायर्ड होने के बाद ऐसे तमाम सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट के जजेस के दरमियान भी ये रवायत है कि उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी ओहदे पर फाइज किया जाता है, उनकी सर्विसेज से फ़ायदा उठाया जाता है, उनका तजर्बा होता है, और ये कौसाई जुडिशल फोरम है, इसमें अपेलेट ट्राइब्यूनल के उनको हेड बनाया है, जाहिर है इसमें लीगल इश्यूज होंगे और उनके बारे में फ़ैसले देने होंगे, तो एक रिटायर्ड जज ही इसके लिए बेहतरीन चॉइस हो सकता है। और वैसे भी जस्टिस इब्राहिम खान साहब की रेपुटेशन बहुत अच्छी है कि वो एक अपराइट जज रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे फैसले दिए हैं, इसके साथ साथ उनके ऊपर कोई उनके जो इंटेग्रिटी है प्रोफेशनल और फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, उसके बारे में कभी कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। वजह सिर्फ ये है इसकी टाइमिंग की, और ये बात इस वजह से ज़्यादा इसलिए हो रही है कि जो टाइमिंग है कि उनकी रिटायरमेंट के फौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है
उन्होंने इनको इस पर अपॉइंट किया है और उन्होंने अगर एक्सेप्ट कर ली है ये पोजीशन तो इस वजह से उन्हें इस तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और एक अहम बात ये थी कि जस्टिस इब्राहिम खान साहब को तरक्की नहीं दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए और उस पर उन्होंने काजी फैज़ साहब को एक ख़त भी लिखा था जिसमें उन्होंने इस बात पर कहा था कि मुझे क्यों तरक्की नहीं दी गई। लेकिन जाहिर है ये तो एक मुश्तरका फैसला था जुडिशल काउंसिल का, सिर्फ काजी फैज़ साहब का नहीं था। बहरहाल ये जो उन्होंने फौरी तौर पे एक्सेप्ट की है ये पोजीशन अगर कर ली है उन्होंने तो इस वजह से बातें हो रही हैं। और ये मेरा ख्याल है कि जजेस हजरात को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि क्योंकि वो इंसाफ और अखलाकियात के सबसे बड़े आलमबरदार होते हैं और ख़ास तौर पर जब जस्टिस चीफ जस्टिस इब्राहिम साहब का जब हम टेन्योर देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनके दौर में बहुत अहम फैसले हुए और इत्तेफाक से और पीटीआई के बहुत सारे लोगों को इंसाफ मिला उनके दौर में और वही पीटीआई के लोग इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में भी हैं। जैसे कि मैं आपको अगर नामों की एक लिस्ट दूं थोड़ा सा तो उसमें जिन जिन रहनुमाओं की ज़मानतें मंजूर की जस्टिस चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम साहब ने वो उनमें जरताज गुल हैं, उनकी हिफाजती ज़मानत हमाद अदर साहब की लाहौर के NA 20 और PP 154 लाहौर से उम्मीदवार जो थे सईद अहमद सिंधु, PP 160 लाहौर से नदीम अब्बास भारा, NA 135 लाहौर के PTI टिकट होल्डर मलिक करामत और शिबली फराज, गंडापुर शेराम तरकई, शेर अफजल मरवत और बहुत सारे और फैसले हैं। तो इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़।